जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद के सभागार में अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही भूतपूर्व चेयरमैन हरिशंकर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष जेबीर सिंह ने की तथा संचालन महासचिव सरदार प्रकाश सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिरीष मेहरोत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बार काउंसलिंग की कुछ मांगों को स्वीकार किया है। अधिवक्ता कल्याणकारी योजना में 5 लाख रुपए किए हैं तथा तहसील व जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं में चेंबर को धन आवंटित किया है और उन्होंने अधिवक्ता कल्याणकारी योजना के लिए अधिवक्ताओं से अधिक सदस्य बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलेगा जो इस योजना के सदस्य होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय गुप्ता ने कहा कि अधिवक्ता दिवस अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और योग्य अधिवक्ता थे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के रूप में शिरीष मेहरोत्रा को जिला बार के अध्यक्ष व महासचिव द्वारा शॉल उड़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ठाकुर सोमपाल सिंह, संजीव तिवारी, शेर सिंह, गजराम सिंह, विक्रम सिंह सैनी, ललित अरोड़ा, शमशाद हुसैन, गोविंद प्रकाश, अमरुद्दीन, कुमारी स्मिता गुप्ता, तृप्ति राणा, वी के मालवीय, हरप्रसाद, अनिल पाल सिंह, गोपाल कृष्ण, ध्रुव कुमार सक्सेना, राजेंद्र प्रसाद, खुशाल आदि अधिवक्ता गण मौजूद रहे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने पहले एक बार पैसे दिए थे 400 रुपए, वो हमारे पैसे थे। वो पैसा था रूल 40 का और उसका आप मेंबर नहीं बने हो। तो ये वो लिस्ट है, पूरे मुरादाबाद की लिस्ट में ले आया हूँ मेंबरों की। ये लिस्ट आपको मैं सौंप रहा हूँ और जिसमें इनका जिसमें नाम ना हो, लोगों का नाम नहीं है अगर किसी का, तो जानिएगा कि वो मेंबर नहीं। उनको तुरंत ये फॉर्म भी मैं दे रहा हूँ, ये फॉर्म उनको भरना है और 5100 रुपये से लाइफ मेंबरशिप ले। लाइफ मेंबरशिप इसलिए कि अगर आप एनुअल मेंबरशिप लेंगे तो ये 2-4-5-6 महीने बाद वो एनुअल मेंबरशिप आपकी कम से कम 3-4 गुनी होने। आज हम लोगों को हमारे चेयरमैन साहब ने अवगत कराया है कि जो हमारे बुनियादी माध्यम से आर्थिक सहायता हमारे प्रतिनिधियों को मिलती है, बच्चों को 1.5 लाख से 5 लाख रुपए हो गया है और लिस्ट भी हमको की है। लेकिन मैं पुनः अपने अध्यक्ष जी से ही अनुरोध करूँ कि अभी समाचार पत्रों में आया था, एक तो न्यासी समिति यहाँ चल रही है, अधिवक्ता न्यासी, और एक एक्शन 40 में यूपी बार काउंसिल के माध्यम से भुगतान होता है, या दोनों एक हैं या अलग अलग। इस ब्रांच को मैं अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा दूर कर दें, क्योंकि तो जिससे हमारे जो साथी लोग हैं वो उसके पास और इसी के साथ साथ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और जो हमारे मेंबर्स यहाँ के रहने वाले थे वो यहाँ से अपने अपने घर को